हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका अपना एंटरटेनमेंट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया करूँगा, तो आज भी एक ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ है। ये फ्रेंड्स, ये कोरोना वैक्सीन को लेकर हमारी न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में बाकी सारी उम्र के लोगों को तो वैक्सीन लग रही थी, लेकिन रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगेगी। फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़। और सीएम जो योगी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। फ्रेंड्स, देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण की बढ़ती चिंता को देखकर नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को 15 से 18 आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। और हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है, उन्हें कोरोना की बूस्टर डोज देने की भी घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश में बूस्टर डोज की शुरुआत की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि 10 जनवरी से देश में कोरोना की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज दी जाएगी। पीएम ने यह भी कहा है कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कॉमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प भी उनके लिए उपलब्ध कराया गया है। 10 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। फ्रेंड्स, इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 निरोधक टीकों की बूस्टर खुराक देने के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को ये डोज मिलनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि अभी यह शुरुआत है, तो अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही जो बूस्टर डोज दी जाएगी। और केजरीवाल जी ने इस बात पे भी प्रसन्नता जाहिर की है कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को भी कोविड का टीका लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, जो योगी जी हैं हमारे सीएम, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जल्द ही कोविड-19 के खिलाफ एक बढ़िया सुरक्षा कवच तैयार करेगा। तो फ्रेंड्स, ये दो तरह की घोषणाएं हुई हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहली घोषणा ये है कि 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। और दूसरी घोषणा ये है फ्रेंड्स कि 10 जनवरी से देश में जो फ्रंट लाइन्स कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कोरोना को हटाने में मेन योगदान दिया है, उनको बूस्टर डोज दी जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये सारी न्यूज़ बनाने में, आपके लिए इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है हमारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की न्यूज़ लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया संबोधन, जिसमें वो ये सारी घोषणाएं कर रहे हैं। थैंक यू। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास
और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवीय के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर
पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं, इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा।